ऑलराइट, तो काफी स्ट्रगल्स के बाद ब्रह्मयुगम फाइनली हमारे यहाँ थिएटर्स में लग गई, क्योंकि मुझे आज दोपहर तक इसका कोई भी शो यहाँ पर दिख नहीं रहा था। लेकिन अचानक जैसे मैंने अपना फोन खोला तो उसमें मुझे एक शो दिखा एक घंटे बाद का, तो मैंने सोचा ओके एक शो है, लेकिन रिस्क था उसमें क्योंकि वो मलयालम में था। बट जितना मैंने सुना था तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि मलयालम लैंग्वेज होने के बाद भी इंग्लिश सबटाइटल्स अवेलेबल हैं, तो मैंने सोचा रिस्क लेके देखते हैं, अगर नहीं हुए तो फिर वापस आ जाएंगे। टिकट लिया, सीट पे बैठा और जब वो सर्टिफिकेट लिखा आता है तो वहां पर जाके कंफर्मेशन मिला कि पिक्चर मलयालम में है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल है, तब जाकर कलेजे को ठंडक पहुंची। लेकिन अब बात कर लेते हैं इस बारे में भी कि आखिरकार मूवी है कैसी। तो सबसे पहले मूवी के सिनॉप्सिस से शुरू करते हैं, स्पॉइलर की बात नहीं करेंगे क्योंकि मूवी का ट्रेलर जो है वो मूवी की स्टोरी के बारे में कुछ भी नहीं बताता, एंड राइटली सो, क्योंकि मूवी की स्टोरी उसका सबसे एसेंशियल एलिमेंट है जिसको मूवी लेयर बाय लेयर अपने अलग अलग हाफ्स में पील ऑफ करना शुरू करती है और हमको बहुत ही बखूबी एक्सप्लेन करती चली जाती है जैसे जैसे टाइम पास होने लगता है। ऐसा नहीं होता कि एक बार में हमारे ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डंप कर दी जाती है और मूवी सीधे आगे बढ़ जाती है, लेकिन फिर भी शुरू से शुरू करते हैं। तो मूवी में 5 कैरेक्टर्स हैं जो हमको दिखाए गए हैं, जिसमें से 2 कैरेक्टर हार्डली 2 मिनट के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करते और उनको आप भूल जाइए। मूवी सिर्फ 3 कैरेक्टर्स के आसपास घूमती है, जिसमें से एक है पोएट, दूसरा है कुक और तीसरा है मालिक। अब कहानी है 17th सेंचुरी की, 17 मतलब खतरा की बात कर रहा हूं, जब पोएट जंगल में भटक जाता है और वो अचानक से स्टंबल अपॉन करता है एक मैंशन के ऊपर जो पूरी तरह से टूटा फूटा है। अब वो सोचता है कि वो इस टूटे फूटे घर में थोड़ी देर के लिए आराम कर ले गए, उसको खाने के लिए कुछ मिल जाएगा और बस ये सोचकर वो उस घर के दरवाजे से एंटर करता है, लेकिन वहां पर उसकी मुलाकात होती है एक बावर्ची से और उस घर के मालिक से, और वहां से मूवी की कहानी आगे बढ़ना शुरू करती है, क्योंकि ना तो ये कोई आम घर है, ना ही कोई आम बावर्ची और ना ही कोई आम मालिक। और अब जो लोग बोल रहे हैं ना कि मैंने स्पॉइल कर दिया, तो ये कहानी मूवी के स्टार्टिंग के 5 मिनट की कहानी है, बस इससे ज्यादा मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। स्पीकिंग ऑफ विच, तो ये मालिक का रोल प्ले किया है ममूती जी ने, जो कि इस पूरी मूवी का सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट है और उन्होंने क्या ब्रिलियंटली इस रोल को निभाया है। जब जब वो इस पूरी स्क्रीन पे होते हैं आपकी फटेगी, क्योंकि ये कैरेक्टर इतना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और उसको उन्होंने उतना ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल तरीके से निभाया है। मतलब इनके रोल में एक सिनिस्टर पना फील होता है आपको, मतलब उस कैरेक्टर को इस तरह से लिखा गया है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है और उन्होंने भी अपनी एक्टिंग इसी तरह से करी है कि आपको उनको देखकर ऐसा लगेगा कि ये बंदा भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। और जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था ना कि मूवी की कहानी को लेयर्स में एक्सप्लोर किया जाता है, तो दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस मूवी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ममूती का कैरेक्टर जो अपने एक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है तो हमको समझ में नहीं आता कि जो ये कर रहा है वो क्यों कर रहा है, एंड द मोमेंट हमारे सामने वो रिवीलेशन निकल के आने लगता है हमको समझ में आना शुरू होता है कि ओ This is why. और ये पूरी चीज इतनी ज्यादा वेल क्रिएटेड, वेल डायरेक्टेड, वेल रिटन है। मैंने इससे पहले राहुल सदासिवन की कोई भी मूवी नहीं देखी, लेकिन हाँ इसके बाद मैं जरूर देखना चाहूंगा। आई विल फाइंड यू एंड आई विल वॉच यू। एक तो पहले डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, पूरी की पूरी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन हाँ ये कहीं से भी एक डिटेरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मूवी की फील, मूवी की वाइब के फेवर में काम करता है। मतलब मूवी के अंदर एक एटमोस्फेरिक हॉरर वाली वाइब है, मतलब एक डिप्रेसिंग सा माहौल होगा, क्लॉस्ट्रोफोबिक एनवायरमेंट जैसा लगेगा। आई मीन आपको ऐसा लगेगा कि मुझे यहां से बाहर निकलना है, लेकिन मूवी कॉन्स्टेंटली आपको ऐसी सिचुएशंस में डालेगी जहां से आप बाहर नहीं निकल पाओगे, और मूवी की जो ब्लैक एंड व्हाइट टोन है वो उस चीज को और भी ज्यादा एनहांस करती है, बिकॉज़ यू कॉन्स्टेंटली वांट टू गेट आउट ऑफ द सिचुएशन बट यू कैन नॉट। फिर ब्लैक एंड व्हाइट टोन एक जगह और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करती है, और वो है लाइटिंग को बढ़ाने में। मतलब जहां पर डार्क है वो बहुत ज्यादा डार्क फील होते हैं, जो लाइट है वो बहुत ज्यादा अच्छे से निकल के आते हैं। सो या ब्लैक एंड व्हाइट टोन जिसका भी आइडिया था बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। तो या अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हो या नहीं भी जा रहे हो, या जिस चीज को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि देखने जाए या ना जाए, तो मैं आपको वो सारी चीजें बता देता हूं जो शायद आपकी हेल्प कर सकती हैं इसको डिसाइड करने में। सबसे पहले तो पूरी की पूरी मूवी ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन ये मूवी के फेवर में काम करता है, उसके डिसएडवांटेज के लिए नहीं। फिर इसके बाद अगर आप इसे एक हॉरर मूवी के नजरिए से देखने जा रहे हो, तो नहीं एक हॉरर मूवी नहीं है। हाँ एक आध सीक्वेंस में थोड़ा बहुत बहुत हल्का सा डरावना कुछ फील होता है, लेकिन ये एक हॉरर मूवी नहीं है। एटमॉस्फेरिक हॉरर क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले एनवायरनमेंट को क्रिएट किया हुआ है। जो मैंने मूवी देखी थी वो पूरी मलयालम में थी, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स चल रहे थे, तो अगर आपके यहाँ पे भी मलयालम में लगी है तो यू गाइस कैन इजीली गो एंड वॉच इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में। फिर जनरली ऐसा होता है कि मूवी का फर्स्ट हाफ बेटर होता है, सेकंड हाफ कभी इतना अच्छा नहीं होता, तो इस मूवी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मूवी के दोनों हाफ्स बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया। और हाँ अगर आप फिर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो क्या आपको तुम्बाड पसंद आई थी, तो ये मूवी काफी हद तक वैसी फील होती है। और हाँ ऐसे किस विस वाले सीन तो नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा कुछ आता है, ऐसे पीठ फीट दिखाई हुई है लेडीज लोग की, तो
थोड़ा सा ऐसा रहेगा। तो कुल मिला के ब्रह्म युगम मेरे लिए एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मूवी थी जिसे मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया। मैं इसे काफी अच्छी एक्सपेक्टेशंस के साथ देखने गया था लेकिन फिर भी मूवी डिड नॉट डिसअपॉइंट एट ऑल। आई गॉट व्हाट आई एक्चुअली वांटेड फ्रॉम द मूवी एंड आई हैड अ रियली ग्रेट टाइम। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपको इस पूरी पिक्चर के बारे में क्या लगता है, सो डू लेट मी नो व्हाट एवर यू गाइस थिंक। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं तो आपके घर में भी वैसे ही जो मोती है वैसा कुछ आके बैठ सकता है।